तीसरा है। नमस्ते भारत, हम आए हुए हैं चंदेश भाई के प्लाट में। जिस खेत को हम देखते थे, आज उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। झिल्ली का मल्च, ये बोलते हैं झिल्ली का मल्च, इसको पद्धति इनको समझ में आया। पहले इस टेक में कर रहे थे, इस पद्धति में कर रहा था हमारे चंदेश भाई, तो इस पद्धति में उनको समझ में आया कि इसमें हमको खर्चा ज़्यादा लग रहा है, तो 70-30 कॉन्सेप्ट में आया। इसमें भी 70-30 के लिए कचरा मल्चिंग कर रहे थे, लेकिन इसमें भी सक्सेस नहीं हो पाया। इसमें बीच में पपीता लगा हुआ है, देखो आपको दिखा दूँ, ये पपीता, एक पपीता क्या शानदार है। पानी की बहुत कमी है यहाँ पे, शहर में रहकर खेती करने के लिए आया और इस पद्धति में आया। उसके बाद हमको बलराम किसान यूट्यूब चैनल में देखा, उसके बाद देखने के बाद फिर 70-30 कॉन्सेप्ट में आया। 70-30 कॉन्सेप्ट में आने के बाद इनको महसूस हुआ, भाई क्या 70-30 में आपको क्या फ़ायदा हुआ और इस पद्धति में झिल्ली मल्चिंग में क्या आपको लगा? 70-30 में एक तो पानी का, हम कम पानी से भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हाँ, और 70-30 इसके मुकाबले वो बहुत कम खर्चे में है। इसमें वाष्प कंडीशन रहता है ही, हाँ, उसमें हमेशा आपका इकोसिस्टम कंडीशन रहेगा, इसमें उतना ये देखो मल्च जो है इतना बड़ा, क्योंकि ये 6-7 महीने के बाद फटने लगता है। ये बेड है, इसी में रहेगा इनका रूट। और इस तरीके से हो रहा था, भाई अभी केला में गया है। अब केला, अब इनका कौन सा नंबर का है केला ये? अभी ये रटून है, रटून सेकंड है ना, ये फर्स्ट के बाद सेकंड है। अभी सेकंड अब सब में नहीं दिख रहा है, लग रहा है लेकिन सेकंड तो आ जाएगा। एक बंच आया है, एक बंच आ गया है सामने में, बाकी ये रटून है। 70-30 कॉन्सेप्ट में जाने के फायदा है, बहुत सारा इकोसिस्टम है। कचरा मल्चिंग करने से पानी बना रहता है, पानी अगर कम दे फिर भी उसमें रहता ही है। देखो ये बंचेस आ गया है एक, और इसमें बंच मैनेजमेंट जो रहता है ना, इसको करना पड़ेगा, कुछ कुछ इसमें है। और ये हार्वेस्ट में आ गया है इस तरीके से, एक बंचेस आया हुआ है, बाकी में अभी इस कंडीशन में बना हुआ है। सबको कहते हैं कि 70-30 कॉन्सेप्ट में जाए और केला का खेती बहुत अच्छा से कीजिए। इसी को हम